झारखंड की रघुवर सरकार अब बच्चों की पढ़ाई को स्मार्ट बनाने में लग गई है। जमशेदपुर के साक्षी बालिका उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास से बच्चों की पढ़ाई और स्मार्ट हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड में साकार करने में लगे हैं और ये तस्वीर उसकी एक बानगी है। जमशेदपुर के एक सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास में लगे डिवाइसों के जरिए बच्चे न सिर्फ डिजिटल किताबों को पढ़ सकते हैं बल्कि मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी देख सकते हैं। स्मार्ट क्लास में पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। स्मार्ट क्लास में लगे डिवाइस को चलाना इतना आसान है कि बच्चे भी आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे पिक्चर को इनलार्ज करके कलरफुल दिखाया जा सकता है, इसको बच्चे खुद भी प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर भी है। साथ ही बाई चांस मान लिए कभी कोई शिक्षक नहीं है या जिस विषय के शिक्षक नहीं है उस विषय के क्लासेस भी हम लोग आराम से इसके माध्यम से कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से बच्चे और अभिभावक दोनों खुश हैं। टीचर पढ़ाती है उससे हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं और सिर्फ बुक का ही देख के हम लोग उसको समझ सकते हैं, पर स्मार्ट क्लास ऐसा चीज़ है जो हम लोग उसको देख के पूरे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उससे हम अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। बच्चे लोग के लिए बहुत ही अच्छा है और खास करके उन बच्चों के लिए जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उसके लिए तो बेहतर नहीं बहुत ही बेहतर इसको माना जाए। उपायुक्त का कहना है कि जिन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है वहां पर स्मार्ट क्लास के जरिए शिक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा। इस बालिका विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस जो शुरू किया गया है और सरकार स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के माध्यम से भी जिले में 22 उच्च विद्यालयों और 10+2 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस जो है शुरू कर रही है। सरकार की जो प्राथमिकता है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में। रघुवर सरकार की यह पहल CSR के माध्यम से सरकारी स्कूलों को मिल रही है। स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है जिससे वो आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।